सो देखो, बेफिक्री से अपनी माँ की गोद में सुकून से जा रहा है, शोल्डर में बैठ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यार, आज है फ्राइडे, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें हो चुकी है और अब जल्दी से मैं जाऊँ। सबसे पहला काम है कि नहा धो करके रेडी हुआ जाए ताकि जुमे की नमाज़ पढ़ी जाए। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अब चलते सीधे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। टाइम हो चुका है नमाज़ का, तो नमाज़ बाद फिर आपसे मैं मिलता हूँ। यार देखो यार, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ नमाज़ पढ़ करके और अब मुझे सीधे यहाँ से जाना है। यार देखो यार, आज लंच भी नहीं कर पाया हूँ, सो वैसे भी नहीं होता मेरा, तो अब सीधे चलता हूँ स्टेशन और फिर वहाँ मिलते हैं अपन। स्टेशन में जैसे ही आया हूँ, ट्रेन वैसे ही मेरे सामने मेरी ट्रेन निकल गई, तो बड़ी अफसोस की बात है। देखो कितनी देर और वेट करना पड़ता है ट्रेन के लिए, तो देखते हैं और वेट करते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। कम से कम 10 से 15 मिनट का वेट तो करना ही पड़ जाएगा आई थिंक सो ट्रेन के लिए, तो देखते हैं और क्या है। सो यार, ये लाइफ सबसे अच्छी होती है। देखो, कोई फिक्र नहीं है इस बच्चे को, सुकून से अपनी अम्मा की गोद में और वो अपने कंधे में बैठा ले हुए सुकून से लेकर के जा रही है। उसे कोई फिक्र नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या है, बस अपना एंजॉय करते हुए जा रहा है। सो अब मेरी भी ट्रेन आ रही है, अब मैं भी इधर से निकलूँ, जल्दी से अपनी जगह पहुँचा जाए। सर इतना वाहियातपन हो रहा है, एक मिनट देर हुआ, एक मिनट के मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड अगर पहले आ जाता तो मुझे ट्रेन मिल जाती, और अभी लमसम 30 से 25 मिनट हो चुका और अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई है। तो चलो यार, मेरी ट्रेन आ गई है और जल्दी से बैठूँ और निकलूँ। तो यार अभी आ गया हूँ जोगेश्वरी स्टेशन और अब यहाँ से जल्दी से निकला जाए अपने काम की तरफ। अभी तो काम खैर नहीं शुरू है, न्यू ईयर के बाद से ये है कि डेली तलाश में निकलना पड़ता है, घूमो टहलो, ढूंढो, मीटिंग्स करो। तो खैर चलते हैं अभी और जल्दी से पहुँचा जाए जोगेश्वरी। अभी उतरा हूँ, अभी यहाँ से अंधेरी की तरफ ओशिवारा एक्चुअली जाना है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं डायरेक्टली आपको वहीं पर ही। फाइनली आ गया हूँ और अब यहाँ से सीधे चलता हूँ मैं मीटिंग के लिए, अपनी मीटिंग की देखूँ और कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ मिलने जाना है। देखता हूँ अगर कुछ प्रोडक्शन में हुआ पॉसिबल तो आपको भी दिखाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ अंदर मोबाइल यूज़ करना तो डेफिनेटली आज शेयर होगी। इस रोड के मंजर आप देखो, मैंने आज नहीं दिखाया, डेली दिखाता रहता था यार वो पानी पानी गंदगी, तो लगता नहीं यार ये मुंबई है। खैर ये जल्दी बन जाए तो सुकून हो जाए यार काफ़ी। तो यार बहुत सारी जगहों में डिस्कशन किया और तमाम जगहों पर मीटिंग्स हुई और फिर उसके बाद एक मीटिंग यहाँ पर भी थी सामने, जो टियोलॉजी आपको दिख रहा है। सो अब जाकर के ये समझिए रात का बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 9:30 बज रहा है और अब जाकर के मैं फ्री हुआ हूँ। सो अब मैं सीधे यार, इतना ज़्यादा रश यार फ्रेंड, अब जाकर के मैं फ्री हुआ हूँ। एक्चुअली 3 से 4 जगह पर मीटिंग्स हुई एंड देन उसके बाद लास्ट में हम चले गए टियोलॉजी, जहाँ पर बैठ करके हमने चाय पिया और लोगों से और भी लोगों से बात बात किया। इस वक्त 10:30-11 बज रहा है और ये सामने वैनिटी क्यों खड़ी है यार। इधर वैसे मेरे पीछे शूट चल रहा है जी, ये देखो आप पीछे वैनिटी वैन खड़ी हुई है। सो यार वो जो भी चल रहा है एक्साइटेड, अब मैं तो चल रहा हूँ यार अपने रूम पे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो साथ ही हो गए और बहुत थक गया, अब बस भी मेरी बहुत धीमी निकल रही है। उसका एक ही रीज़न है यार, भूख लगी है, अब जल्दी पहुँचूँ और जल्दी खाना खाया जाए। तो चलो थोड़ा सा रोड का भी मंजर कराते हुए चलूँ आपको यहाँ के, ताकि ये मालूम चले कि इस एरिया में भी कितना काम हो गया है। साला ये तो पूरा गंदा ही गंदा पड़ा हुआ है। शेट यार, कितना पानी हो गया, तो मुझे लग रहा है कुछ दिन में ये भी खाड़ी ना बना डाले यार समंदर की। तो शादी वादी चल रही लग रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर गार्डन भी है। तो अभी स्टेशन आ गया और 10:45 हुआ है और ट्रेन आने वाली है, सो जल्दी से पूछा जाए। वाह यार क्या तो टाइमिंग है, आ गई ट्रेन, तो जल्दी बैठा जाए निकला जाए। चल चल के पसीने पसीने हो गया, हालत ख़राब हो गई है, बट पैसा वसूल हो गया मेरा वसूल। सो यार अभी तो स्टेशन से तो बाहर आ गया हूँ और अब जल्दी से चलता हूँ अपने रूम और अब डिनर किया जाएगा। 11:30 बज रहा है, सोचो इतना टाइम हो चुका है।
तो अब जल्दी से पहुंचा जाए और डिनर किया जाए और फिर सोया होया जाए, देखते हैं। कि अभी मैं रूम आ चुका हूँ और अभी उसामा भाई भी आ गए हैं, अभी बस जस्ट नमाज पढ़ के आए हैं जुमा की, सॉरी ईशा की, नहीं कितना टाइम हो गया, सॉरी गलती हो गई, माफी। खुला होगा यार, चेहरा बनवाना। हाँ 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 खुला होगा, जाओ चलो भाई खेलो। मेरे टाइम नहीं बना। अरे अच्छा हुआ नहीं बनाया। ओहो दोनों हाथ से, ये चार होता है वैसे। शाबाश। अरे वाह मिस फील्ड। ओ भाई टावर के जैसे खड़े हो गए वहां पे। वो फील्डिंग भी ठीक करता है, फील्डिंग सही करता है वो। भाई आओ, अरे इधर आओ। हो गया खेल, हो गया इनका। एक गेंद और खेल लो, एक गेंद और खेल लो, अरे एक गेंद और खेल लो। चलो भाई खेलो। मेरे टाइम नहीं बना। अरे अच्छा हुआ नहीं बनाया। ओहो दोनों हाथ से, ये चार होता है वैसे। शाबाश। अरे वाह मिस फील्ड। भाई टावर के जैसे खड़े हो गए वहां पे। वो फील्डिंग भी ठीक करता है, फील्डिंग सही करता है वो। भाई आओ, अरे इधर आओ। हो गया खेल, हो गया इनका। एक गेंद और खेल लो, एक गेंद और खेल लो, अरे एक गेंद और खेलो। तो देखो फाइनली अब जा करके कह सकते हो कि मैं अपने बेड में लेटा हुआ हूँ, एक्चुअल में आया एंड देन उसके बाद क्रिकेट खेलने निकल गया, डिनर किया एंड देन उसके बाद क्रिकेट खेलने निकल गया। सो क्रिकेट खेला, क्या करूँ, क्रिकेट लवर हूँ। सो उसके बाद देन अभी आया अपने बेड में, अब लेटा हुआ। सो अब चल करके पहले सबसे पहले एडिटिंग करी जाए ताकि ये व्लॉग मॉर्निंग में आप लोग को दिख सके। सो आप लोगों से अब इजाज़त लेता हूँ और सीधे अब व्लॉग को एडिट करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों से और सब्सक्राइब कराइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।